एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूं Asus का VivoBook 16 इंटेल का Core i5-13 जनरेशन के साथ। सो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका काफ़ी अच्छा है, जिस प्राइस रेंज में यह लैपटॉप जो है आपको मिलेगा। सो सबसे पहले इसका मैं आपको मॉडल बताता हूँ एंड आगे चल के और भी डिटेल में बात करेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मॉडल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो X1605VAMD546WS इसका आपका मॉडल नंबर है। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे आप सारा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इंटेल का Core i5-13 जैन प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है, 13500H प्रोसेसर, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। 42 वॉट आवर का यहाँ पे आपका बैटरी दिया हुआ है, जिसमें आपका 3 सेल है और विंडोज 11 प्लस MS ऑफिस इसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है। एंड बात करें इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर का यहाँ पे आपका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और डब्बे पे जो MRP है वो तकरीबन 81 का है, बट आपको आगे चल के बताएंगे कि आप इसे कितना में परचेज कर सकते हैं। सो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो डब्बा को अनबॉक्स करते हैं एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लैपटॉप मिलता है। बात करें पैकेजिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल साइज पैकेजिंग है, इसको साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पे आपका कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो फीचर्स है वो मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 45 वॉट का इसके अंदर जो है आपका 13 जेन प्रोसेसर है, एच सीरीज का प्रोसेसर, साथ ही आई स्कूल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपको फैन दिया हुआ है। ये सब सारा चीज़ इसके अंदर आपको मिलता है एंड आगे आप डिटेल में बात करेंगे। एंड साथ ही यहाँ पे आपको कुछ यूजर्स मैनुअल इसके अंदर मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपको ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए एक QR मिलता है, जिसके थ्रू आप ऑफिस एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपने ऑनलाइन परचेज किया है तो। एंड साथ में यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर चार्जर दिया हुआ है। बात करें इसका वॉट का, तो इसके अंदर आपको 65 वॉट का चार्जर मिलेगा और पिन जो है यहाँ पे आपका स्मॉल पिन है। एंड यहाँ पे आपको एक पावर केबल मिलेगा, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और बात करें बैटरी बैकअप का, तो अराउंड जो बैटरी बैकअप आपको मिलेगा तकरीबन 4.5 से 5 घंटा का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, बट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉक्स के अंदर जो है आपका एक पावर एडेप्टर, कुछ यूजर्स मैनुअल और साथ में एक लैपटॉप यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इसको साइड में रखते हैं और अब लैपटॉप देखते हैं कि लैपटॉप कैसा दिखता है। एंड बात करें अगर कलर का, तो मेरे पास जो अवेलेबल कलर है वो सिल्वर है। आप चाहो तो कलर का ऑप्शन और भी है, आप दूसरे कलर का भी परचेज कर सकते हो, फिलहाल मेरे पास जो है वो सिल्वर कलर है। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी का, तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। 2023 का ही आपका मॉडल है, जस्ट रिसेंट जो है इसको कंपनी ने लॉन्च किया है। एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। लैपटॉप का जो बिल्ड है वो आपका हार्ड फाइबर में यहाँ पे आपको मिलता है, ग्लॉसी फिनिशिंग जरूर दिया हुआ है बट इसका जो बिल्ड है वो आपको हार्ड फाइबर है। साथ ही अगर वेट की बात करें, तो 1.8 kg का वेट इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा। 16 इंच का स्क्रीन साइज है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको वेट मिलता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैक साइड का, तो बैक साइड में भी आप देख सकते हो हार्ड फाइबर यहाँ पे मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपका फैन इसके अंदर है, यहाँ पे आपको रबर ग्रिपिंग मिलता है और ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीकर इसके अंदर आपको मिलेगा और 2 वाट का दोनों स्पीकर इसके अंदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपका सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है, मॉडल नंबर, जो भी चीज़ें होता है बैक साइड में यहाँ पे मेंशन है। तो लैपटॉप लेने के बाद यहाँ से आप वेरीफाई कर पाओगे कि आपने कौन सा मॉडल परचेज किया। साथ ही यहाँ पे आप फैन वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे आपको फैन इसके अंदर दिया हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसका वेट आपका पोर्ट्स का, तो यहाँ पे आपको सी पोर्ट्स मिलता है, साथ में 2 USB, 1 HDMI, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे आपको 3.5 का ऑडियो मैक का यहाँ पे पोर्ट्स आपको मिलेगा। एंड अपोजिट साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे इसका आपका आउटलेट है और साथ ही यहाँ पे एक USB आपको मिलेगा, इसमें USB Gen 2 और Gen 3 दोनों दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर सी टाइप है और जिसके थ्रू आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ से अगर आप चाहो सी टाइप चार्जर से, तो लैपटॉप को आप चार्ज कर पाओगे। सो ये इसका पोर्ट्स का फीचर्स था एंड मैंने लुक आपको दिखाया। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी भी इसका अच्छा है। एंड अगर मैं बात करूँ इसका हिंच का, तो इसके अंदर जो है आपको 180 का हिंच मिलता है फ्लैट, यहाँ पे आप देख सकते हो 180 तक लैपटॉप आप मूव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको आउटलेट एक दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो 2 आउटलेट इसके अंदर आपको मिलता है एयर निकलने के लिए। तो लैपटॉप को जो है हीटिंग वोटिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड साथ ही जो अगर मैं डिस्प्ले का भी अगर मैं बात करूँ फिटिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड सामने से जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको ये नजर आएगा। एंड बेस बॉडी का भी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी जो आपको है फाइबर बिल्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
साथ ही इंटेल का कोर i5 13 जेन प्रोसेसर इसके अंदर है, आईरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड, एमएस ऑफिस यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड यहाँ पे एक काफी बड़ा सा टच पैड यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफी स्मूथली है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी स्मूथली आपको रन करता है। साथ ही यहीं पे आपको फिंगर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो फिंगर का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपका सोनी मास्टर का स्पीकर है, और मैंने आपको स्पीकर दिखाया कि कहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको मिलता है, जैसे कि आपका स्मूथ मेगा साइज का यहाँ पे आपको टच पैड है, यानी कि जो साइज है वो काफी अच्छा है। कैमरा शटर दिया हुआ है, नॉइस कैंसिलेशन 180 का इंच, ये सारा फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड का, तो यहाँ पे आपका फुल साइज का कीबोर्ड यहाँ पे आपको मिलता है विथ बैकलिट कीबोर्ड के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलिट कीबोर्ड भी इसके अंदर आपको मिलेगा, और फुल साइज कीबोर्ड है, काफी अच्छा है। और कीबोर्ड का भी जो अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको काफी अच्छा यहाँ पे आपको रहने वाला है। साथ ही सेंटर में Asus Vivo Book का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, और नैरो एज डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलेगा, इसके अंदर जो डिस्प्ले होगा वो पूरा नैरो एज डिस्प्ले है, और साथ ही यहाँ पे 84% बॉडी टू स्किन रेशियो यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ कैमरा का, तो यहाँ पे आपको कैमरा शटर मिलेगा, और इसके अंदर 720 का HD कैमरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है विथ डुअल माइक के साथ है, तो ये काफी अच्छा फीचर्स है। यहाँ से आप जो है अगर ऑनलाइन मीटिंग करते हो या क्लास करते हो, तो कैमरा को आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप ऑफ कर पाओगे। एंड 180 का हिंच मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर 180 का हिंच यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करवाता है, और बाकी का फीचर्स भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है आपको बैकलाइट कीबोर्ड, साथ में आपका फिंगर प्लस सोनी मास्टर का स्पीकर, एंटी बैक्टीरियल जो है इसका आपका बिल्ड जो है वो आपको मिलता है। इसका आप इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इसके अंदर आपको इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन क्या सब मिलता है। उसके लिए टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं, एंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करें प्रोसेसर का, तो इसे के अंदर आपको इंटेल का कोर i5 13 जेन प्रोसेसर है, 13500H प्रोसेसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर 12 कोर, एंड यहाँ पे अगर कैश मेमोरी की बात करें तो 18MB का कैश मेमोरी मिलता है, और 16 का थ्रेड्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एंड रैम की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर DDR4 3200MHz का 16GB रैम है, और 24GB तक रैम और आप एक्सटेंड कर पाओगे। साथ ही स्टोरेज भी इसके अंदर जो है आपको 512GB का जेन 4 सीरीज का SSD यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिसमें आप 2TB तक अपग्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको आईरिस एक्सी का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जो कि ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है, शेयरिंग मेमोरी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 16GB शेयरिंग मेमोरी के साथ। ये था इसका आपका इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन। एंड अब बात करें इसका कनेक्टिविटी का, तो इसके अंदर वाईफाई 6 आपको मिलेगा डुअल बैंड वाला, और साथ ही ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो कनेक्टिविटी भी जो लेटेस्ट में सारी चीजें जो चल रहा है वही इसके अंदर आपको मिलेगा। एंड बात करूँ इसका अब मार्केट प्राइस का, तो अराउंड जो इसका मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 60 का मार्केट प्राइस है, और अगर आपका बजट 60 के रेंज में है तो आप इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी अच्छा है, एंड डिस्प्ले जो है इसके अंदर वो आपको IPS लेवल डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है, एंड यहाँ पे आपको 2K का रेजोल्यूशन मिलेगा, और 62% जो है इसके अंदर आपका NTSC यहाँ पे दिया हुआ है, और 60Hz का पैनल यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलेगा, तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे एक वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले कैसा दिखता है। डिटेलिंग अगर आप देख सकते हो, काफी अच्छा डिटेलिंग इसके अंदर आपको मिलेगा, एंड 2K रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलता है, तो आप जो है अच्छा रेजोल्यूशन में वीडियो वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अब बात करें इसका कैमरा का, तो इसके अंदर जो है कैमरा का आउटपुट की अगर मैं बात करूं, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कैमरा का डिटेलिंग इसके अंदर 720 का HD कैमरा है, और डिटेलिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है। एंड एक पिक्चर्स मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह। ये था Asus का Vivo Book 16X इंटेल का Core i5 13 जनरेशन के साथ। अगर आपका बजट अराउंड 60 का है तो आप इसे परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ये मॉडल अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा,
और अगर कुछ चीज़ छूट गया हो जो कि मैंने आपको नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन दे सके। सो थैंक यू सो मच।